गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठंडी से बचे हुए होंगे। तो आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे 6:37 तक मैं नॉर्मली उठ जाती हूँ, बट अभी 8 बज गए हैं। पर कोई नहीं, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज मेरा मन था थोड़ा सा टी का, बहुत ठंडी लग रही है, तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, देन आई विल मेक माई टू डू लिस्ट और फिर मैं आपसे सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलो बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट। आज मैं कुछ नए तरीके से बनाऊंगी, आज मैं अपने आईपैड में बनाऊंगी और सोचा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं और पेपर भी सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले आई विल डू माय इंग्लिश एडिटोरियल, जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो पहले मैं 1 आवर अपना इंग्लिश एडिटोरियल करूँगी एंड देन थोड़ा 15 मिनट्स का रेस्ट लेके मैं अपना GS सब्जेक्ट आज हिस्ट्री करूँगी, जिसमें मैंने PERM RSSC से मैं अपना वीडियो देखूंगी मॉडर्न इंडिया का, और फिर साथ साथ उसके नोट्स बनाऊंगी एंड देन फिर मैं अपना रीजनिंग एंड मैथ्स एंड देन उसके बाद अपने करंट अफेयर्स। तो आज का मेरा ये शेड्यूल है। तो क्या होता है कि एक तो ठंडी पड़ रही है तो जल्दी उठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी, पर मैं ऐसा करती हूँ, जैसे हम जब कहीं जाना होता है हमें, तो हमारे रात को माइंड में फिक्स नहीं हो जाता। जैसे सुबह अगर आपको 6 अराउंड कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो ऐसे दिमाग में चलता रहता है ना कि सुबह 6 बजे जाना है, ऐसे करके माइंड में थोड़ा सा फिट हो जाता है। और कभी कभी आपको लगता होगा आपके अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है। तो ऐसे ही जब आपको सुबह नॉर्मली उठना है तो आप अपने माइंड में जैसे 4-5 बार ऐसे बोल के सो कि सुबह इतने बजे उठना है, तो थोड़ा सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और हमारी बायोलॉजिकल साइकिल भी ऐसे ही वर्क करती है। तो ऐसे करके आप बोलो। और पहले मैं करती थी क्या, अलार्म अपना लगा के अपने साइड में ही रखकर सो जाती थी फ़ोन को, बट अब थोड़ा सा मैं उसको अपने डिस्टेंस पे रखती हूँ। या तो आप दूसरे रूम में रख सकते हो या जैसे दूर थोड़ा अपनी टेबल या कहीं और पर रख सकते हो। तो जब आप उसको बंद करने के लिए उठोगे तो आप अपना पानी वानी पी लो एक गिलास, जैसे मैं करती हूँ उठते ही, फिर मैं पानी पी लेती हूँ। तो ऐसे करके ना थोड़ा नींद खुल जाती है। और फिर क्या होता है, फिर आता है सबसे मुश्किल टाइम, फिर आपके दिमाग में आती है 2 आवाज़ें। वो क्या होती है, एक तो आती है ज़ोर से, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है, सो जाते हैं। और दूसरी आवाज़ बिल्कुल धीरे से आएगी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसा पढ़ लेते हैं, अरे यार थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फिर आपको क्या करना है आगे, जो आपको ये थॉट आ रहा है ना कि सो जाते हैं, इस थॉट को कैंसिल करना है और दूसरे थॉट पे फोकस करना है। उस थॉट को उसी टाइम दिमाग से निकाल देना है कि सो जाते हैं, इसको बिल्कुल सोचना ही नहीं। और फिर क्या आपको करना है, अपना थोड़ा वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, या जिस तरह से भी आपकी नींद खुल सकती है वो चीज़ करके अपना स्टार्ट कर दो। और ऐसा तो करना पड़ेगा ना, दुनिया से हट के सोचो, अभी सब सो रहे हैं और आप थोड़ा जल्दी उठ के एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो आप दुनिया से हट के करोगे तो तभी तो कुछ होगा ना। तो ऐसे करके आप जल्दी उठ सकते हो। आई होप ऐसे आपके ये आपके थॉट काम आएगा। तो इंग्लिश करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड नाउ आई विल स्टार्ट माई हिस्ट्री, जिसमें मैं मॉडर्न इंडिया करूँगी PERM RSSC से। और मेरा जो हिस्ट्री का सिनेरियो है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, तो अगर आपको अपने रूटीन में लाना हो तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, राइट, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो CGL में हमारा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा आते हैं मॉडर्न से, और GS के पार्ट में भी हिस्ट्री का ज़्यादा वो रहता है हमारा, तो 3-4 आते हैं मॉडर्न से। तो इसलिए हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए मॉडर्न इंडिया पे, और जिसमें से 1905 से 47 का जो पीरियड है उसमें से इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स होते हैं, जो कि आपको अलग से उसके नोट्स बनाने चाहिए, तभी आपको वो अच्छे से याद होगा। तो एंशियंट में मैं ल्यूसेन को अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, उसमें जितना दे रखा है उतना सफिशियंट है। एंड मेडिवल के लिए मैं क्लास नोट्स एंड ल्यूसेन दोनों से कर रही हूँ। और रहा हमारा मॉडर्न, तो उसमें मैं ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मैं NCERT, क्लास नोट्स एंड PERM RSSC में रिवीजन कर रही हूँ। सो इसमें मैं इसीलिए ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज़ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अब हिस्ट्री है वो ज़्यादातर सबको बोरिंग लगती है, मुझे भी लगती थी, मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी लगती थी, तो हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेम रहता है, लाइक अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो आपको कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। और हिस्ट्री ऐसी है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इनमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, चेंज होता रहता है, बट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा सेम रहता है। जैसे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757, ये तो चेंज नहीं होगा ना, ये सेम ही रहेगा। और मैंने ऐसा किया हुआ है, लाइक मैंने अपने एक पेज पर हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं वो राइट किए हुए हैं। तो जब मेरा मन नहीं करता या मुझे बोर हो जाता है तो मैं वो सारे अपने टॉपिक्स रीड करती हूँ। तो उसमें मैं अपना कोई भी टॉपिक उठा लेती हूँ जो मेरा उस टाइम पे मन करता है, फिर मैं उसको पूरा चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, अच्छे से रिवाइज करती हूँ। तो ऐसे करके फिर मेरा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे करके मैं अपना हिस्ट्री करती हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि आपको भी यूज़फुल होगा। तो आज ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ाई नहीं की ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा पढ़ के ही फिर मैं मतलब आईपैड चलाने लग गई, बिकॉज़ ये अभी आया है 2 दिन पहले। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मुझे आगे चल के क्या क्या नोट्स बनाने हैं, डिजिटल कैसे, कौन कौन से ऐप्स होंगे, या ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, नए फीचर्स फंक्शंस। तो ऐसे करके थोड़ा मेरा ज़्यादा टाइम निकल गया और अभी मैं आपको दिखाऊँगी भी मैं क्या कर रही थी। सो थोड़ा इस तरह से ये चीज़ें हो गई, बट अभी मैं रीजनिंग की क्लास तो करूँगी पक्का। थोड़ा सा आज कम स्टडी हुई है बट कोई नहीं, कभी कभी तो हो जाता है ऐसा। As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.
सो अब कॉफ़ी पी लिया है और थोड़ा बहुत जो आपने देखा मैंने ये सब भी कर लिया, बट अब थोड़ा रीजनिंग की क्लास करूँगी और फिर आज मैं टाइम से सो जाऊँगी तो ताकि मैं कल अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि आज मैं कई टॉपिक्स अपने कर नहीं पाई तो कल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी मैं रीजनिंग करूँगी और फिर मैं अपना व्लॉग एंड कर दूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।